इस बार जब अंजलि डॉक्टर के चेकअप के लिए जाती है तो उसे अपने बच्चे के वजन के बारे में चिंता थी। वह अपने डॉक्टर से शिशु का वजन कैसा देखा जाता है यह प्रश्न पूछती है। डॉक्टर उसे बताते हैं, अंजलि शिशु के स्वस्थ सुनिश्चित है यह जानने के लिए 8 हफ्तों के दौरान भ्रूणों का वजन बहुत कम होता है। 8 सप्ताह से 20 सप्ताह तक अल्ट्रासाउंड में शिशुओं को सिर से नीचे तक मापा जाता है क्योंकि उनके पैर अभी भी मुड़े हुए रहते हैं। उसके बाद शिशुओं को सिर से पैर तक मापा जाता है। स्कैन के दौरान रेडियोलॉजिस्ट भ्रूणों के कुछ माप को लेते हैं, जैसे बाईपैराइटल डायमीटर, जो शिशु के सिर को अगल बगल से मापता है, फिमोरल लंबाई, मिश्रित जांग की हड्डी की लंबाई, सिर परिधि यानी हेड सर्कमफ्रेंस, ऑक्सिपिटो फ्रॉन्टल डायमीटर, नाक की जड़ से लेकर ललाट की हड्डी का सबसे प्रमुख बिंदु, और पेट की परिधि यानी एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस। इन मापदंडों को मापने के बाद रेडियोलॉजिस्ट गर्भकालीन आयु का निर्धारण करने के लिए एक सूत्र का उपयोग करते हैं। ध्यान दें कि शिशु का वजन और गर्भकालीन आयु संबंधित है। गणना की गई वजन केवल एक अनुमानित है और 10% की अंतर देखा जा सकता है। सभी गर्भधारण अद्वितीय है और आप आमतौर पर एक गर्भावस्था की तुलना दूसरे से नहीं कर सकते हैं और बच्चे भी अलग अलग दरों पर बढ़ते रहते हैं। इसलिए बच्चे के वजन के बारे में चिंतित होने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें। पहली तिमाही के अंत तक औसत भ्रूण का वजन 80 ग्राम के करीब होता है और 22 और 23 सप्ताह के बाद तेजी से बढ़ता है और 35 सप्ताह के बाद प्रति सप्ताह लगभग 220 ग्राम तक हर हफ्ता बढ़ता रहता है। जिन शिशुओं या भ्रूण का वजन 10% से कम है उन्हें गर्भधारण के लिए छोटा कहा जाता है और धीमी वृद्धि के कारण का पता लगाने के लिए आगे के मूल्यांकन की आवश्यकता हो सकती है और टेस्ट की ज़रूरत हो सकती है। अंतिम तिमाही के दौरान बच्चे तेजी से बढ़ने लगते हैं और अधिक वजन डालते हैं। यह ट्राइमेस्टर शिशु के लिए वजन बढ़ने के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अपने नियमित आहार के अलावा प्रतिदिन अतिरिक्त 450 से 500 कैलोरी की आवश्यकता हो सकती है। सुनिश्चित करें कि आहार अच्छी तरह से हो और संतुलित और पौष्टिक हो। भ्रूणों के वजन की तुलना करने के लिए आप हमारे वेबसाइट में एक चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। यदि भ्रूणों का वजन इस चार्ट के मुताबिक 10% से कम है तो यह चिंता का विषय हो सकता है। इस चार्ट को कैसे उपयोग करें? उदाहरण के लिए यदि आप गर्भावस्था के 32वें सप्ताह में हैं और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्चे का वजन 2 किलो है तो इस चार्ट के मुताबिक यह लगभग 70% का वजन है, जिसका अर्थ है कि 32वें सप्ताह में 70% बच्चे इस वजन के आसपास है। लेकिन यदि 32वें सप्ताह में अगर वजन 105 किलो या उससे भी कम है, यह 20% के करीब है, यह थोड़ा चिंता का कारण हो सकता है। यह गर्भावस्था के लिए छोटा माना जाता है। कृपया केवल एक मापन के साथ पर बल ना दे। सीरियल रिकॉर्डिंग एक बेहतर भविष्यवाणी है। हमेशा अपने चिकित्सक से परामर्श करें। अंजलि को अभी सब समझ में आ गया और वह अपने डॉक्टर को धन्यवाद करती है और घर चली जाती है।